हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये हैंकी कट कुर्ती है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने दो फैब्रिक लिया हुआ है। ये हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक है और ये नीचे इसकी लाइनिंग का कपड़ा है जो कि मैं टॉप पार्ट में सिर्फ यूज करूँगी, और ये हमारा 0.5 मीटर फैब्रिक है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये लाइनिंग के कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पर कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ मुझे 14 इंच तैयार चाहिए तो मैंने 15 इंच लिया हुआ है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितनी भी लेंथ टॉप की रखनी है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं और अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ। ये मैंने 6 इंच में मार्क कर दिया। और आर्म होल के लिए मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। अब इस दोनों निशान को हम मिला लेंगे इस तरह से। और अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। तो चेस्ट को 1/4 में मैं 8 इंच ले रही हूँ, प्लस इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो मैंने टोटल 10 इंच ले लिया है। यहाँ भी हम लाइन खींच लेंगे। और अब हमें निशान लगाना है कमर का। तो कमर को 1/4 में मैं 7.5 इंच ले रही हूँ, प्लस उसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब इस दोनों निशान को हम मिला लेंगे इस तरह से। और अब हम आर्म होल में गोलाई देते हैं। तो आर्म होल जितनी भी लिए उसका हाफ लेंगे और वहाँ से हम इसे कर्व शेप देंगे इस तरह से। मैंने कर्व शेप दे दिया। और फ्रंट पार्ट के लिए हम हल्का सा लगभग 0.5 इंच अंदर की साइड से मार्क करेंगे। और अब हम निशान लगाएंगे नेक का। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। और नेक डीप बैक पार्ट के लिए 3 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए 5.5 इंच लिया है। यहाँ भी 3 इंच में मार्क कर देंगे। और यहाँ से हम इसे राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा बैक के लिए हो गया और ये हमारा फ्रंट नेक की के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली। शोल्डर पे हम 0.5 इंच ड्रॉप करेंगे इस तरह से। तो हमने ड्राफ्टिंग कर ली, अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हम शोल्डर पे कटिंग कर लेते हैं और अब हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे नीचे से हमें 1 इंच पे मार्क करना है, वहाँ से हम इसे गोलाई देंगे। तो ये मैंने 1 इंच पे मार्क कर दिया और यहाँ से हम इसे हल्का सा गोलाई देंगे। तो अब हम बैक पार्ट को इसमें से अलग कर लेते हैं और उसके बाद फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है लाइनिंग के कपड़े पे। अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी हमने इसी तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है और जिस तरह से हमने उसकी कटिंग की थी, लाइनिंग के कपड़े को हम इसके ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। इसे मैंने पिन से अटैच कर लिया है। और ये मेरा फ्रंट का पार्ट है। हम इसे बीच से कट करेंगे, सेंटर से इसे हम कट कर लेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लिया है। इसे हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो हमारे टॉप पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है।
अब हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया हुआ है। तो ये हमारी ओपन साइड है और इधर बंद साइड है। तो बंद साइड से हम निशान लगाएंगे। अब बंद साइड से सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जो मैंने टॉप का पार्ट कट किया हुआ है उससे हम निशान लगाएंगे। तो जहाँ हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो पहले हम इस पर मार्क कर लेते हैं। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो हमने वो निशान लगा लिया। अब इस तरह से रखते हुए हम कमर का निशान लगाएंगे। इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिया कमर का। अब सेम निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे लंबाई का। तो लंबाई के लिए मैं यहाँ 21 इंच ले रही हूँ और इधर से भी हम 21 इंच पे ही मार्क करेंगे। यहाँ भी हमने 21 इंच पे मार्क कर दिया। तो ये हमें एक स्क्वायर जैसा बना लेना है इस तरह से। यहाँ भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब सेम निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है इसकी। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए है। और अब हम कटिंग करेंगे स्लीव की। तो स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया हुआ है। किनारे से ये हमारा छोटा बड़ा है तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। अब हम निशान लगाएंगे स्लीव की लंबाई का। तो स्लीव की लंबाई के लिए मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई में जितनी भी आपने आर्म होल ली है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ हम एक लाइन खींच लेते हैं। अब नीचे से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसे स्लीव का शेप देंगे इस तरह से कर्व में निशान लगाते हुए। और यहाँ स्लीव की गोलाई मुझे 5 इंच चाहिए तो मैं यहाँ 5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। प्लस इसमें हम 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से तिरछा हम इसे मिला लेंगे। तो सेम निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारे स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम खोल लेते हैं और फ्रंट पार्ट के स्लीव के लिए हम इसे इसमें हल्की सी गहराई देंगे। तो इस तरह से हम निशान बना लेते हैं और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया हुआ है और इस तरह की 2 पट्टियाँ कट की हुई हैं। तो इसे मैंने देखिए सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। लगभग 1 इंच कपड़ा हमारा बाहर की तरफ रहेगा और इसे भी हम इस तरह से ऊपर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा बाहर की तरफ नहीं रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से रखेंगे। जो राइट साइड का पार्ट है वो लेफ्ट साइड पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पे हम ये बटन्स लगा देंगे और अब हम इसके नेक की में फिनिशिंग देंगे। तो उसके लिए मैंने नेक के शेप की पट्टियाँ कट कर ली हैं
और इसी नेक के शेप में हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और किनारे से भी इसे अटैच कर दिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स बना लेंगे और कट्स बनाने के बाद हम इसे अंदर की साइड पलट लेंगे। इस तरह से पलट के हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे और बैक साइड के लिए भी हमने उसी तरह से पट्टी अटैच कर ली है नेक के शेप की। इसमें भी कट्स लगा के हम इसे अंदर की साइड पलट के इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है और बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे ताकि नेक अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है टॉप स्टिच और बाद में हम इसे इसकी तुरपाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए जहाँ हमें तुरपाई करनी है उस भाग को अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे कपड़े को। तो देखिए हमने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम इसके स्लीव इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम स्लीव का सेंटर निकाल लेते हैं, यहाँ एक छोटा सा कट बना देंगे और स्लीव के लिए मैंने ये दो पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो उल्टी साइड से हम इसमें इसे ज्वाइंट करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। ये मैंने 3 इंच चौड़ी ली है और लंबाई इसकी आपको स्लीव के अकॉर्डिंग लेनी है। बाद में हम इसे पलट के ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे सीधी साइड टर्न कर लेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे बिल्कुल किनारे से होते हुए। इस तरह से टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इसे ऊपर की साइड से भी एक बार फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है स्लीव की और अब हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो दोनों के सेंटर मिलाते हुए हम इसके स्लीव की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसमें स्लीव अटैच कर लिया है। अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो इसे उल्टी साइड से रखते हुए हमें इसके फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने फिटिंग की सिलाई इसकी लगा ली है और अब हम इसके बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये मैंने बॉटम का पार्ट लिया हुआ है। अब इसमें किनारे में ये पट्टियाँ लगानी हैं। तो उसके लिए मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये 6 इंच चौड़ाई में है, विड्थ इसकी 6 इंच है। और अब हम इसे उल्टी साइड से रखेंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा हम कट कर लेते हैं और इसमें सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और अब हम इसे सीधी साइड में टर्न करेंगे। तो इस तरह से सीधी साइड में टर्न करना है हमें। इसी तरह से हमें बैक और फ्रंट दोनों पार्ट तैयार करने हैं। इस तरह से टर्न करने के बाद हम इसे सबसे पहले इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे, उसके बाद दूसरी साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए लगभग 1/2 इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे पिन से अटैच कर देते हैं। तो देखिए हमने इसे पिन से अटैच कर दिया है और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड और सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें इसे सीधी साइड टर्न करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब हम नीचे की साइड भी पट्टियाँ अटैच करेंगे। तो उसके लिए भी हम कपड़े को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर इसकी सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो हमें किनारे के साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसे अटैच करना है। तो
तो देखिए हमने पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब हम इसे सीधी साइड टर्न करेंगे इस तरह से। देखिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें लिया हुआ था। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें टर्न करके सिलाई लगानी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसे, ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें ऊपर की साइड हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम इसे उल्टा कर लेते हैं और टॉप के पार्ट को सीधी साइड से इसके अंदर डालेंगे और इसके दोनों जॉइंट, जहाँ पे जॉइंट आ रहा है, दोनों साइड के जॉइंट को मिलाते हुए हम इसे चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है, हमारी कुर्ती बन के रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।